नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं नौसिजित नगर पंचायत तमकोहिराज में। हमारे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे शंकर भगवान का ये मंदिर है जिस प्रांगण में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाविक प्रत्याशी हैं JP गुप्ता जी। बता दें कि डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और लोगों से जो है संपर्क कर रहे हैं और लोगों से किस एजेंडे के साथ जो है इस बार वो चुनावी मैदान में। बता दें कि हमेशा देखा जाता है कि जो है समाज में के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि अपना परिचय जो है दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मेरी बातें जो हैं वो जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम JP गुप्ता है और मैं तमकोहिराज का रहने वाला हूँ और हिंदू युवा वाहिनी से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, सेवा कार्य प्रारंभ किए और नगर संयोजक की जिम्मेदारी मेरी जो थी वो तमकोहिराज में थी, हिंदू युवा वाहिनी की। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लोगों की फीडबैक मिल पा रही है? लोगों के बीच में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2019 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा तमकोहिराज को नौसिजित नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, तब से लेकर के सबसे पहले तो धन्यवाद भी देना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, जिनके मन में ये ख्याल आया कि उत्तर प्रदेश 67 और समथिंग नगर पंचायतें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बनी। उनका उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे गांव जो हैं उन गांवों को मिलाकर समाहित करके उनको अब शहरीकरण की तरफ लेके चला जाए, वहाँ सुविधाएं बढ़ें, वहाँ लोगों की सहूलियतें बढ़ें। और इसी उद्देश्य के साथ उसी योजना में अपना तमकोहिराज भी नौसिजित नगर पंचायत बना। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जनता के बीच में लगातार, चूँकि 2012 से हिंदू वाहिनी में जुड़ने के बाद ही हम सबका जो संपर्क है जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2019 में जब नगर पंचायत बना तब से एक मन में इच्छा जगी कि महाराज जी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम करें। और इसी उद्देश्य को लेकर के 2019 से लगातार मैं जनता के बीच में चल रहा हूं और जनता का अपार समर्थन, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है इसे मैं स्वयं अभिभूत। तमकोहिराज को नगर पंचायत बनाने के लिए देखा गया है कि आपके भी द्वारा जो है काफ़ी आवाज़ उठाया गया, जो वो सपना पूरा हुआ और इस बार जो है आप ताज में नगर पंचायत जी। अब मैं आपको बताऊं, 2016 में जब तमकोहिराज ग्राम पंचायत थी तो उस समय मैं अपने वार्ड संख्या 8 से निर्विरोध वार्ड सदस्य था। और जब नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया यहाँ चारों ग्राम सभाओं के लोगों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा मिलकर तय किया गया, उसमें मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस प्रस्ताव पे मेरे भी दस्तखत हैं और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ नगर पंचायत। JP गुप्ता जी के लोग हिंदू के साथ से जो कट्टरपंथी वाली बात देखा जाता है आपके साथ, लेकिन इस बार जो चुनाव आप लड़ रहे हैं कैसे लोगों के बीच में आप? अब अगर आप जो शब्द आपने कहा और उस शब्द से मैं अपने आप को जोड़ूँ तो सबसे बड़ा हिंदूवादी तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं। लेकिन क्या उनकी योजनाएं जाति को देख करके चलती हैं? क्या आवास मिला तो केवल हिंदू समाज को मिला, मुस्लिम को नहीं मिला? सड़कें जो बनी तो क्या उसका लाभ किसी एक जाति के व्यक्ति को मिला? किसान सम्मान निधि जो मिल रही है क्या एक वर्ग के लोगों को मिल रहा है? ऐसी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की प्राथमिकता है, मेरी भी प्राथमिकता है कि सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और उसी नारे पर चल कर जाति प्राथमिकता नहीं है, क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है। जनसंपर्क में निकले हुए हैं तो क्या लोगों की फीडबैक मिल पा रही है और क्या लोगों से कह रहे हैं? अब जनता के बीच, चूँकि देखिए इसके पहले ग्राम सभा जब थी तो ग्राम सभा में कई सारी चीज़ें जो हैं हमारे, चूँकि पहले हम तमकोहिराज की राजनीति करते थे, नगर पंचायत बनने के बाद इसमें चार गांव समाहित हुए, चारों गांवों में भ्रमण करने के बाद और चारों गांवों में हम चले, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व के जो नेता जो हमारे इन गाँव में रहे हैं वो उन्होंने अपना वो जो कार्य जो उनको निसंदेह जो अति शोषित वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए जो कार्य उनको करना चाहिए, सरकार की जो योजनाएं जो उन तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच, उन योजनाओं पर लगातार हम लोग कार्य भी करते आए हैं। किसी का किसान सम्मान निधि जुड़ा हुआ हो और राशन कार्ड का काम हो या जो भी काम हो, हम सदैव करते आए हैं। और ये उद्देश्य भी है कि हमारे इन चारों गाँवों के
जो भी अति शोषित वंचित परिवार हैं उन परिवारों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिला करके और उनको बराबरी के लेवल में लेकर के आने का, सबको खुशहाल रखने की हमारी इच्छा है। इसी भाव के साथ में चुनाव लड़ रहा हूं। 2012 से जो है आप राजनीति में सक्रिय हैं और अक्सर जो है एकदम देखा जाता है कि लोगों के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो जनता है इस बार नगर पंचायत में आपके साथ? बिल्कुल, और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जब मैं अपने क्षेत्र के माताओं बहनों के पास, उनके डोर टू डोर अभियान चल रहा है आप देख भी रहे हैं, तो जब मैं उनके पास जाता हूं या जो भी बुजुर्गजन हमारे परिक्षेत्र के जिनसे मैं मिलता हूं, उनका जो ये भाव होता है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पूर्व में हमने वोट देकर खुद को वो छला हुआ महसूस करते हैं। देखिए जनता का भाव क्या होता है, जनता नेता को जब वोट करती है तो जनता का ये भाव रहता है, जनता चाहती है कि हमारी समस्याएं जो हैं वो समस्याएं चाहे हमारे पर्सनल समस्याएं हों और चाहे हमारे गांव मोहल्लों की जो भी छोटी छोटी समस्याएं हों, उन समस्याओं का समाधान जिनको हम नेता के रूप में चुन रहे हैं वो नेता चल करके आ करके हमारी समस्याओं का समाधान कराएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है कि पूर्व के जो भी राजनीतिक लोग हमारे इन ग्राम सभाओं में रहे हैं वो उनका वोट लेकर के और अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के चलने का कार्य किया है, जनता के साथ कोई चलने का कार्य नहीं किया है। लेकिन निस्संदेह मैं जनता से ये वादा करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर इस गरीब बेटे को अगर आपने मौका दिया तो आपकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी समस्याएं होंगी आपको नहीं आना पड़ेगा, मैं स्वयं चल करके आपके पास आऊँगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करूँगा। अभी फिलहाल में अगर वर्तमान में बात करें तो क्या नगर पंचायत में किस चीज़ की कमी आपको दिखाई दे रही है जिससे अगर आप अध्यक्ष होते हैं तो उसे पूरा करेंगे? देखिए कमियाँ बहुत हैं, ऐसा मैं कहूँ कई लोग तो मेरे इस प्रश्न के बाद कई लोग प्रश्न भी उठाएंगे, लेकिन निस्संदेह अगर सरकार की योजनाओं का लाभ अगर यहाँ के पूर्व जो हमारे प्रतिनिधि जो रहे हैं प्रधानों के रूप में अगर वो चाहे होते तो जनता हमारी जो है वो खुशहाल निस्संदेह होती, क्योंकि सरकार ने किसी भी योजनाओं को लाने में कोई कमी नहीं की है। लेकिन अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके इस परिवेश में सन 2022 चल रहा है और 2022 में भी कई ऐसे परिवार हैं जो झोंपड़ी में रहने को विवश हैं, उनको आवास तक नहीं मिला हुआ है, उनके शौचालय नहीं बने हुए हैं, तमाम चीज़ों को सरकार शौचालय करोड़ों करोड़ों शौचालय मोदी जी की सरकार में योगी जी की सरकार में बने हैं, लेकिन प्रधान जो रहे हैं पूर्व में उनकी केंद्र और राज्य में आपकी सरकार होते हुए भी कैसे लोग जो है आवास से बने? बस मैं एक चीज़ इसी पर अपना ध्यान देना चाहता हूँ कि जो भी राजनीति हमारे इन ग्राम सभाओं में हुई है चेहरा देख करके राजनीति करने का काम इन जनप्रतिनिधियों ने किया है जो प्रधान के रूप में पूर्व में रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत 2019 से बनाए तब से लेकर के और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकार अभी पहला चुनाव है, निस्संदेह और सर्वे जो है टीम के द्वारा कराया जा रहा है, डोडा के द्वारा कैसे कम हुई कि जनता आप पे विश्वास करके अपना जो है टिमटी वोट देगी और उनके वादे पे जो आप खड़े होते हैं, क्योंकि देखा जाता है चुनाव के वक्त तो नेता भी तमाम वादे करते हैं लेकिन उस पर पूरा नहीं होता है, आप पे कैसे विश्वास है? देखिए जनता के बीच में मैं रहता हूँ और जनता के साथ चलने का कार्य करता हूँ, और अगर जनता को लगेगा ये गरीब का बेटा अगर उस लायक है तो जनता मुझे जरूर, मुझे पूर्ण विश्वास है और निस्संदेह जनता का ये कि जो कीमती वोट अगर हमको मिलता है और मैं इस नगर पंचायत के पद पर चेयरमैन पद पर अगर बैठने का कार्य करता हूँ तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी वो जनता जिस भाव से मुझे वोट कर रही है उस जनता के भाव को समझना पढ़ना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करूँगा, उनकी हर समस्याओं का समाधान कराने का। क्या जेपी गुप्ता नीतल चुनाव लड़ेंगे या पार्टी से लड़ेंगे? मैं हिंदू युवा वाहिनी का नगर संयोजक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने चलने का कार्य किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तमकुही राज नौ सीट नगर पंचायत तमकुही राज चेयरमैन पद का चुनाव लड़ूंगा। तमकुही की अगर सम्मानित जनता आपको अपना कीमती वोट देकर आपको विजयी बनाती है और आप अध्यक्ष होते हैं तो सबसे पहले इस नगर पंचायत में आपका पहला कार्य क्या होगा? हमारे वहाँ सबसे बड़ी समस्या देखिए तीन चीज़ें, सड़कें जो बदहाल व्यवस्था में पड़ी हुई हैं, नालियाँ जो हैं जो पानी जल निकासी की व्यवस्था हमारे वहाँ नहीं है, और बिजली, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी बिजली की समस्या जो हमारे वहाँ है बड़ी परेशान है। लेकिन आपके राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार होते हुए लगातार दिखा जाता है कि सरकार ये दावा कर रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा बिजली दे रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब बिजली की समस्या आपके नगर पंचायत? हमारे देश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी विराजमान, लेकिन ये जो पहले जो हम बिजली की जो प्रक्रिया है बहुत पहले से चल रही है, सरकार तो बिजली भरपूर दे रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो पुराने जमानों के जो तार जो लगे हुए हैं जर्जर होने की वजह से लोकल फॉल्ट जो हुए हैं होते रहते हैं, और लोकल फॉल्ट होने की वजह से
अब बिजली सप्लाई जो निरंतर 18 घंटे का जो शेड्यूल है वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इन पूरे नगर पंचायत परिक्षेत्र की जो भी जर्जर तारें हैं उन तारों को बदलना, और 18 घंटे अगर बिजली सरकार अगर दे रही है तो 18 घंटे में बिजली जो है वो जनता के लिए उपलब्ध कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि तमकुही राज में जो है कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है जिसपे जो तमकुही राज के जो युवा है वो तैयारी कर सकें और अपनी प्रतिभा जो है वो प्रदेश या देश स्तर पर जो है दिखा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सत्य है, ये मेरी योजनाओं में शामिल है कि मैं यहाँ एक ऐसा साथ देखा जाता है। बिल्कुल, युवाओं की जो एक संख्या चलती है कैसे आप युवाओं को? चूँकि अब मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि 1996 से मैं भी क्रिकेट का प्लेयर रहा, 17 साल मैंने क्रिकेट में अपने समय जो है वो एक तरह से कहूं तो मैंने जीवन अपना बर्बाद किया। इसलिए बर्बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन जब अपने मेरे हैंड में अगर कुछ होगा ऐसा करने के लिए तो मैं निस्संदेह अपने वहाँ एक ग्राउंड भी बनवाऊँगा और उस ग्राउंड में ऐसी व्यवस्थाएँ बनाऊँगा जहाँ युवा अपनी तैयारी कर सके, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जिस की भी तैयारी हो, और साथ ही साथ लड़के ही नहीं लड़कियों के लिए भी उनके खेल की सुविधाओं को सुनिश्चित कराने का काम। शिक्षा के बारे में, शिक्षा में तो सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है और प्रमुख मुद्दाओं में से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिसने पहली बार प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प के बारे में सोचा, और आप देखते होंगे कि हर गांव में ऐसे विद्यालय जो हैं वो मॉडल विद्यालय बनने का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ। मेरा सोच ये है कि जो भी अपने युवा साथी हैं, अपने वहाँ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो हैं जिनकी शिक्षा कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रुक जाती है और अपनी आगे की शिक्षा नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था सरकार भी दे रही है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करें। और जो भी प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं जो हमारे नगर पंचायत परिक्षेत्र के बीच में होंगे, ऐसे सभी स्कूलों का जीर्णोद्वार करना और उनको मॉडर्न विद्यालय बना करके, देखिए शिक्षा प्राथमिक शुरू की शिक्षा अगर हमारी बेहतर होगी तो निस्संदेह बच्चा अगर होशियार होगा तो आगे अपनी पढ़ाई के लिए जरूर जाएगा। और हमारे वहाँ एक इंटर कॉलेज भी है, कैसे आप तो बदलाव कर पाएंगे? और बिल्कुल, योजनाएँ जो भी हैं सरकार की, मैं यहाँ से लेकर के लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ जी तक जाऊँगा और अपनी योजनाओं को बताऊँगा, उनसे मांग करूँगा, और निस्संदेह मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाणी कार्यकर्ता होने के नाते महाराजी मेरी कोई बात नहीं काटेंगे। क्या लग रहा है कि इस तरह बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और आप निस्संदेह, मैं आपको वादा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि निस्संदेह इन 4 सालों 5 सालों का जो हमारा कार्यकाल होगा उसके बाद अगर तंत्री में आप प्रवेश करेंगे तो आप कहेंगे, अपने मुख्य स्वरूप जरूर कहेंगे कि 5 साल पहले मैं तंत्री में आया था वो तंत्री, और मैं इस समय तंत्री में आया हूँ इस तंत्री में जमीन आसमान आपको ऐतिहासिक कार्य करने का प्रयास। आप सुन रहे थे, भावी प्रत्याशी हैं, फायर ब्रांड नेता भी हैं, हिंदू युवा के नगर संयोजक हैं JP गुप्ता जी। लगातार जो है समाज में लोगों को दबे कुचले जो लोग हैं, वंचित हैं, उनको भी हमेशा उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर से।